तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस का फेमस सीरियल सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में हम एक ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जिसको सुनकर या जिसको देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। लेकिन सबके मन में अब तक का सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिस तरीके से हरिणी को लेकर ईशान भोसले और सभी भोसले मैंशन में आए हैं, तो क्या यहाँ पे अब सुरेखा भोसले और राव साहब हरिणी को भोसले मैंशन में रहने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि घर में दूरवा सबको चढ़ा रही है कि सभी जो है अपने भोले भाले ईशान दादा को अपने जाल में फंसा कर और हमेशा के लिए भोसले हाउस में शिफ्ट होना चाहती है। उसने तो सबसे पहले मुकुल मामा की पोल खोली, अब तो पूरा परिवार उसका ईशान मंद रहेगा क्योंकि उसने हमारे अनवी को जो बचाया। इस दौरान घर के सब लोग कहते हैं कि दूरवा जरा अपने दिमाग की बत्ती जला कर देख कि सभी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन उसने सुरेखा के मन में इतनी उलूल जुलूल बातें भर दी कि सुरेखा जब फोन करता है करती है ईशान को, तो उसे पता चलता है कि वो लोग हरिणी को लेकर हॉस्पिटल में गए हुए हैं। यहाँ पे वो डर जाती है कि कहीं हरिणी का अगर डेथ हो गया तो सभी को तो हमेशा के लिए भोसले हाउस में रहना पड़ेगा। देखिए इधर क्या होता है कि जब हरिणी की खबर सुनकर हॉस्पिटल में ईशान और सभी जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं और पूरे पुणे में एक ही डॉक्टर है जो हरिणी का इलाज कर सकते हैं, वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हैं। और जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए ईशान और सभी हरिणी को आगे बढ़ते हैं तो बाहर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग इन लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अब क्या होता है, कैसे भी करके ईशान और सभी दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे वो डॉक्टर हैं वहाँ पे लेकर हरिणी को पहुँचते हैं, जहाँ पे डॉक्टर पूरे अच्छे से चेकअप करते हैं। उसके बाद अब जो हरिणी की जो मतलब हालत है, जो सिचुएशन है, वो स्टेबल डॉक्टर बताते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन्हें अच्छे से देखभाल किया गया, अगर इनकी अच्छे से देखभाल की गई तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब घर सभी के लिए, घर तो एक ही भोसले हाउस, क्योंकि सभी के पास दूसरा घर नहीं है क्योंकि सभी की पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है, यानी कि सभी के पास फैमिली कहने के नाम पे बस ईशान की फैमिली है। अब घर तो लेकर आ गए हैं लेकिन यहाँ पे सब लोग शौक हैं, पूरे घर वाले। तो क्या आप राव साहब, बक्का साहब हरिणी को अपने घर में रहने देंगे? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।